हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सबका संजय ट्यूटोरियल्स के चैनल पर। मेरा नाम निवेदिता तिवारी है और मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर क्लास 11th और 12th से रिलेटेड कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के आ रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल के द्वारा अभी तक कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किया जा रहा था, और उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जा रहे थे। बट अब डिफरेंट बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, डिफरेंट बच्चे कमेंट में डाल रहे थे कि सर हमें बेसिक्स के भी कुछ वीडियोस चाहिए, आप 11th 12th के भी वीडियोस डालिए जिससे हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे भी हैं जो जस्ट 10th पास करके 11th में एडमिशन ले रहे हैं। तो इन रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि अब हम अपने चैनल पर बिल्कुल इनिशिएशन से, बिल्कुल फंडामेंटल से अपने कॉमर्स के हर एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे, जिसके बिहाफ में हम लोग 11th और 12th के भी क्लासेस से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, इनसे रिलेटेड हम अपने चैप्टर वाइज या फिर कह सकते हैं टॉपिक वाइज वीडियोज़ को लेकर आ रहे हैं, जिससे हम एक एक कंटेंट्स को आपके साथ में शेयर करेंगे और आपके नॉलेज को, आपके बेसिक्स को, आपके रूट्स को इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए अकाउंट्स की क्लासेस लेके आ रही हूँ, जहाँ पे मैं क्लास 11th से रिलेटेड या फिर क्लास 12th से रिलेटेड दोनों के पूरे कोर्स को कवर करूँगी, और आपका बिल्कुल बेसिक्स से लेके एक एक चैप्टर्स पे हम पढ़ेंगे और उनके नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, उनके नॉलेज को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12th अकाउंटेंसी। ठीक है, क्लास 12th अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर या किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुँचने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ओवरऑल क्लास 12th के रिगार्ड में किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है। अकाउंटेंसी में अगर हम आएँ तो अकाउंटेंसी में ओवरऑल मिला के आपके पास में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट आपके पास में चैप्टर्स हैं। हमारे पास में मेनली तीन किताबें हैं। जो आपकी पहली किताब है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, जो आपकी दूसरी किताब है वो कंपनीज से रिलेटेड है, और जो आपकी तीसरी किताब है वो एनालिसिस से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हमें बेसिकली पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़नी है, और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर ऑन करना है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा हमारे पार्टनरशिप में वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर हम एडमिशन पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म की कंस्ट्रक्शन से लेके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के बीच में जितने भी डिफरेंट सेक्शंस आएंगे उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर कंपनीज़ की तरफ बढ़ेंगे हम, और कंपनीज़ अकाउंट में हम इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब हम जाएंगे एनालिसिस में, तो एनालिसिस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एनालिसिस में हमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं हमारे, जैसे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस के स्टेटमेंट्स हैं, इसके अलावा हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है, रेशियो एनालिसिस पढ़ना है। तो ये सारे चैप्टर्स को हमें ओवरऑल अपने क्लास 12th के अंडर में कवर करना है। ठीक, अब आज के क्लास में हम किस कंटेंट को शेयर करने वाले हैं और किस पर्टिकुलर बेस को आज हम अपने स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, तो वो है हमारा फंडामेंटल्स। हम एकदम अपने बेसिक्स पे आ रहे हैं, हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आ रहे हैं, और फर्स्ट टर्म जो हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कवर करने वाले हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल्स का मतलब है बिल्कुल रूट से हमें चीज़ों को जानना है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बेस को हमें समझना है। तो हम आज किस चीज़ के बेस को समझने वाले हैं? हम समझने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के बेस को। देखिए, अगर हम क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में जो बुक हमने पढ़ी थी अकाउंटेंसी की, उस पर्टिकुलर बुक में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग को समझा था। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था? जब एक अकेला व्यक्ति अकेले कैपिटल लगाता था, अकेले पूरे बिजनेस के रिस्क को बेयर करता था और बिजनेस एक्टिविटीज़ को
प्ले करता था। बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के बिहाफ में जो भी प्रॉफिट्स होता था उस पूरे प्रॉफिट्स को वो खुद ही शेयर करता था, और अगर कोई लॉसेस होते थे तो पूरे लॉसेस को वो अकेले ही बियर करता था, मैनेजमेंट भी वो खुद ही करता था। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप पे थी। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस क्या थे? अकेला व्यक्ति था, कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकता था, अकेला व्यक्ति था, सारे रिस्क को खुद बियर करना पड़ता था उन्हें। तो कुछ लिमिटेशंस थी जिन्हें हम एलिमिनेट करने के लिए अपने और साथ ही साथ अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए हमने अपने फॉर्म ऑफ बिजनेस को क्या किया, थोड़ा सा एक्सपेंड किया, और जो एक्सपेंडेड फॉर्म था हमारा वो कहलाया पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक लोग मिलके या जब लोग ग्रुप्स में मिलके किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं आपस में कुछ एग्रीमेंट, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, वही हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, चलिए समझेंगे क्या है, क्या है फंडामेंटल्स पार्टनरशिप के। When a sole proprietor faces certain limitation in his sole trading business in form of limited capital, limited management, limited control, limited capacity of taking risk, क्या कहा जा रहा है कि जब कोई भी एक सोल प्रोप्राइटर डिफरेंट लिमिटेशंस को फेस करने लगता है अपने सोल ट्रेडिंग एंटिटीज में या सोल ट्रेडिंग बिजनेस में, किस तरह की लिमिटेशंस या किस तरह के ऑब्स्टिकल्स को फेस करते हैं वो, तो लिमिटेड कैपिटल, एक अकेला इंसान है, बहुत ह्यूज कैपिटल वो स्पेंड नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट भी लिमिटेड होता है, एक अकेला इंसान हर एक पर्टिकुलर डायमेंशन में परफेक्ट नहीं हो सकता है। लिमिटेड कंट्रोल, उन्हीं को हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को मैनेज करना होता है, जिससे कंट्रोल भी हमारी क्या हो जाती है, लिमिटेड नेचर की हो जाती है, और साथ ही रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़ भी क्या होती हैं यहाँ पे, लिमिटेड होती है, कि अकेले इंसान को सारे रिस्क को बेयर करना होता है। तो इन सारे लिमिटेशंस को हैंडल करने के लिए, इन सारे लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या चूज़ किया, सो देयर मस्ट बी सम हैंड्स टू एलिमिनेट सच सर्कमस्टांसेस फॉर अ स्मूथ रनिंग बिजनेस विच नॉक्स द डोर ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए, इन हिंड्रेंसेस को ख़त्म करने के लिए हमने जिस फॉर्म ऑफ बिजनेस को अब चूज़ करा है या जिस फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरह हम बढ़ते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। तो अब एक बात दिमाग में आती है कि क्या पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखिए, हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो उसे किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम सोल प्रोप्राइटर हैं या सोल ट्रेडर हैं तो वहाँ पे हमें ये लिमिटेशंस फेस करने पड़ सकते हैं, और अगर हमें इन लिमिटेशंस को ख़त्म करना है, इन ऑब्स्टिकल से बाहर निकलना है, तो हमारे पास में एक अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है। आप चाहें तो शुरू से ही पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने क्या समझा कि पार्टनरशिप क्या है, सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडिंग बिजनेस के जो लिमिटेशंस हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, उन हिंड्रेंसेस को ओवरकम करने के लिए जिस एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ एक सोल ट्रेडर बढ़ता है या फिर जिस एक नए फॉर्म ऑफ बिजनेस को वो चूज करते हैं, वो कहलाता है पार्टनरशिप। अब आते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली पार्टनरशिप है क्या। तो क्या कहा जा रहा है, देखिए, पार्टनरशिप मीन्स रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस टू टेक पार्ट इन बिजनेस विद इन म्यूचुअल कंसेंट। क्या कहा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलते हैं म्यूचुअल कंसेंट पे, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके किसी को ग्रुप में इन्वॉल्व किया जा रहा है या किसी के साथ बॉन्ड बनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलके अपने म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे, बिल्कुल आपसी सहमति के बेसिस पे क्या करते हैं, कोई बिजनेस करने को तैयार होते हैं, तो वो फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारा पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। ठीक, चलिए थोड़े और एप्रोप्रिएट मैनर में पढ़ते हैं हम इसके डेफिनेशन को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि क्या है पार्टनरशिप। अब अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 की बात करें तो इसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। किसके अंडर में? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन को बताया गया है। कहा क्या गया है देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स
who have agreed to share the profit of the business carried by all or any of them acting for all. अब देखिए डेफिनेशन को समझते हैं हम बहुत आराम से. क्या टर्म यूज किया गया है? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है. किस तरह का रिलेशन है? तो पार्टनरशिप एक म्यूचुअल रिलेशन है. ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल रिलेशन, ठीक है? फ्री कंसेंट से बनाया गया रिलेशन. किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में. ये किस तरह के पर्सन्स हैं? यही पर्सन्स हमारे पार्टनर्स कहलाते हैं, ठीक है? पार्टनरशिप क्या है? म्यूचुअल रिलेशन है, फ्री कंसेंट पे बनाया हुआ रिलेशन है. किसके बीच में? तो पार्टनर्स के बीच में, जिसको डेफिनेशन में क्या मेंशन किया गया है? पर्संस के नाम से मेंशन किया गया है. तो ये किस तरह का रिलेशन मिलके बनाते हैं? कुछ लोग या कुछ पार्टनर्स आपस में मिलके किस तरह का रिलेशन बनाते हैं? क्या करते हैं रिलेशन बना के? अग्रीमेंट करते हैं. अग्री टर्म किस चीज़ को इंडिकेट करता है? अग्रीमेंट को इंडिकेट करता है. अग्रीमेंट का मतलब क्या है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ नियम कानून हैं जिनको वो बनाते हैं. किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम उस काम को करते हैं. तो ये आपस में मिलकर क्या करते हैं? एग्रीमेंट बनाते हैं और उस एग्रीमेंट को आपस में मिलके उस पर फ्री कंसेंट से म्यूचुअल सहमति देते हैं कि हाँ हम सब इस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्या हैं, पूरी तरीके से सहमत हैं और इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके हम अपने बिजनेस को रन करेंगे. और साथ ही में अग्री किस चीज़ पे होते हैं? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. बेसिकली हम किसी भी तरह का बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी जो पार्टनर्स एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे होते हैं वो किस चीज़ के लिए अग्रीड होते हैं? कि वो पर्टिकुलर बिजनेस करने से हमारे फर्म को जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो किसके द्वारा बांटा जाएगा? जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उन सब में बांटा जाएगा, ठीक है? और बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे कैरी ऑन होगा? तो वो बिजनेस या तो सभी मिलकर चलाएंगे या फिर या तो वो बिजनेस सभी मिलकर चलाएंगे या फिर कोई एक सब के लिए काम करेगा, ठीक है? ये जो हमारा पर्टिकुलर टर्म है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस को, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को इंडिकेट करता है, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि हमारे एक्टिव पार्टनर्स हैं, जैसे कि हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि हमारे स्टेबल पार्टनर्स होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं. तो जिस तरह का पार्टनर्स का रोल होता है उस तरह से वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं. अगर सारे एक्टिव पार्टनर्स हैं तो सब बिजनेस में अपने एक्टिव रोल को प्ले करते हैं, सब बिजनेस में पार्ट लेते हैं और सब बिजनेस को रन करते हैं. बट अगर उसमें कोई स्लीपिंग पार्टनर है या कोई पार्टनर एज एस्टोपल है तो वो क्या करेंगे? सिर्फ बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं और बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने की बात करते हैं, वो बिजनेस के एक्टिविटीज़ को प्ले नहीं करते हैं. तो इसी टर्म को ध्यान में रखते हुए टर्म यूज़ किया गया है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. यानी कि पार्टनरशिप के इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से क्या समझा हमने? पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है. किस तरह का एग्रीमेंट है? एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल कंसेंट पे बनाया हुआ एग्रीमेंट है. किसके द्वारा? तो पार्टनर्स के द्वारा. क्या करने के लिए हम ये एग्रीमेंट बनाते हैं? क्या करने के लिए हम एक पार्टनरशिप का रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं? ताकि हम मिलके बिजनेस कर सकें और बिजनेस करने के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में बांटेंगे. और बिजनेस को रन कैसे करेंगे? या तो सभी मिलके करेंगे या फिर कोई एक सबके बिहाफ में करेगा, ठीक है? तो ये हमारा कहलाता है पार्टनरशिप. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. फीचर्स का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ के फीचर्स को समझने की कोशिश कर लें तो हमें उस चीज़ के बारे में बहुत ही गहराई से पता चल जाता है. फीचर्स यानी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उसके एक एक टर्म के बारे में डिफाइन किया जाना, ठीक है? आइए देखते हैं एक एक फीचर्स. सबसे पहला फीचर है हमारा टू और मोर पर्सन. हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया पार्टनरशिप. पार्टनर मतलब ग्रुपिंग या एक साथ मिल के काम करना. तो जब हम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो अकेले खुद के साथ तो मिलके काम नहीं कर सकते ना, हमें क्या चाहिए? हमें कम से कम दो लोग चाहिए. तो यहाँ पे जब भी हम पार्टनर्स की बात करते हैं तो कम से कम कितने पार्टनर्स या कितने पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है हमें? दो या दो से अधिक लोगों की. यहीं पे ध्यान रख लीजिएगा. अगर हम इनके मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स की बात करें तो मिनिमम इसमें होते हैं दो और मैक्सिमम इसमें होते हैं 50, ठीक है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म टू मेंबर्स
एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म 50 मेंबर्स। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। याद रखिएगा कि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म बिना एग्रीमेंट के फॉर्म नहीं हो सकता, यानी कि पार्टनरशिप किसका आउटकम होता है, एग्रीमेंट का आउटकम होता है। हम एक सेंटेंस भी यूज करते हैं पार्टनरशिप के लिए, दैट पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के ही बेस पे हम किस चीज को इनिशिएट करते हैं, हम इनिशिएट करते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म को। अब ध्यान दीजिएगा, इसी एग्रीमेंट को हम और आगे लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि एग्रीमेंट दो तरह का होता है। एक होता है हमारा ओरल एग्रीमेंट और एक कहलाता है हमारा रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट का क्या मतलब है, बात मेरे ध्यान से समझिएगा। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉर्म करना जिसके बेस पे हम आगे चल के बिजनेस को प्रोसीड करने वाले हैं, जिसके बेस पे हम बिजनेस को करने वाले हैं। बट एग्रीमेंट का होना मैंडेटरी है, बट एग्रीमेंट किस फॉर्म में है ये होना मैंडेटरी नहीं है। यानी कि आपका जो एग्रीमेंट है वो ओरल बेसिस पे भी हो सकता है, आपस में पार्टनर्स ने आपस में बात कर ली, ओरल बेसिस पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाए जिसमें जिसमें सारे सबकी सहमति है, वो ओरल एग्रीमेंट कहलाएगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करी गई हैं उन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को रिटन बेसिस पे एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लिखा गया है और उस पर सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर हैं जिसमें कि उनके म्यूचुअल कंसेंट्स को शो किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिटन एग्रीमेंट। ध्यान दीजिएगा, किसी भी टाइप का एग्रीमेंट हो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, बट हम किस चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, रिटन एग्रीमेंट पे। क्योंकि हम कोई भी काम जब करना चाहते हैं तो हम फुल एविडेंस के साथ काम करना चाहते हैं, फ्यूचर में कोई भी बायसनेस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। इस वजह से हम ज़्यादा कंसर्न करते हैं रिटन एग्रीमेंट पे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ओरल एग्रीमेंट होगा तो हमारा बिजनेस रन नहीं कर सकता है। एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है, उसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बिजनेस का क्या मतलब है, एक साथ मिलके हम कोई ऐसा बिजनेस ना करें जो कि इन द आइज ऑफ लॉ अनलॉफुल हो, वॉइड हो। ठीक है, तो हमें बिजनेस मिलके करना कैसा है, जो कि इन द आइज ऑफ लॉ हमेशा क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। किसकी नज़र में लीगल, इन आइज ऑफ लॉ, हमारे कानून की नज़र में वो पर्टिकुलर बिजनेस और उस पर्टिकुलर बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज लीगल इन नेचर होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। जायज सी बात है, ये इस तरह का जो बिजनेस होता है पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस, ये प्रॉफिट मोटिव होता है। यानी इस तरह का जो बिजनेस है ये पार्टनर्स मिलके करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए और प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस को रन करने के बाद प्रॉफिट जनरेट होती है उसे पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। तो अब एक बात क्रिएट आती है, क्वेश्चन रेज होता है माइंड में कि किस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में या कितना कितना किस किस पार्टनर को बांटा जाएगा। तो इसके लिए भी पहले से एक रेशियो डिसाइड कर लिया जाता है, एक प्रोपोर्शन डिसाइड कर लिया जाता है कि किस पर्टिकुलर रेशियो में, किस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, कितने परसेंट से अलग अलग पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और जब भी प्रॉफिट जनरेट होती है फॉर्म में, उसी पर्टिकुलर प्रॉफिट में आपस में पार्टनर्स उस प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं। तो ये हमारा कहलाता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, अगर हम बात करें अपने पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो जॉइंट ओनर होते हैं हमारे फर्म के। जॉइंट ओनर का मतलब क्या है कि वो सब उस पर्टिकुलर बिजनेस के ओनर होते हैं। ठीक है, अब ये सब मिलके उस बिजनेस के लिए डिसीजंस भी लेते हैं और सब एक दूसरे के बिहाफ में काम भी करते हैं। इसी वजह से जब वो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं तो वो एज अ प्रिंसिपल की तरह से एक्ट कर रहे होते हैं, और जब वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं बिजनेस में एक दूसरे के बिहाफ में, तो वो हमारे एजेंट कहलाते हैं। तो एक पर्टिकुलर पार्टनर दो तरह की एक्टिविटीज़ को प्ले करता है, कभी वो प्रिंसिपल के रोल को प्ले करता है, कभी वो एजेंट के रोल को प्ले करता है। ठीक है, तो कैसा रिलेशन होता है इनका, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि जब भी हम बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप के कंसर्न में, तो या तो सारे पार्टनर्स एक साथ मिलकर एक्टिव रोल प्ले करते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, या फिर जितने भी एक्टिव पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स के बिहाफ में अपने बिजनेस रोल्स को, बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस।
इस पर्टिकुलर बिजनेस में भी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक माने जाते हैं, इनके बीच में कोई भी सेपरेसी नहीं होती है। ठीक है, बिजनेस और बिजनेसमैन को क्या माना जाता है, बिजनेस और पार्टनर्स दोनों को इक्वल माना जाता है। दोनों क्या है, एक दूसरे को एक जैसे एक समान माने जाते हैं। तो ये कुछ हमारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ पार्टनर्स। अब देखिए, एक साथ मिलकर अगर हम बिजनेस में काम कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट ड्यूटीज हैं, तो हमारे पास कुछ राइट्स भी हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं, जिनको हम एडमायर कर सकते हैं। तो क्या क्या वो राइट्स हैं, आइए एक एक करके समझते हैं पार्टनर्स के राइट्स को। जो सबसे पहली राइट है हमारी, वो क्या है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द अग्रीड रेशियो। अब देखिए, हर पार्टनर के पास ये राइट होती है कि जो भी एग्रीमेंट में मेंशन्ड रेशियो है, उसी रेशियो के बिहाफ में उनको उनका प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब उसके बिहाफ में कोई भी अदर बाइजनेस नहीं क्रिएट होनी चाहिए कि नहीं तुमको कम मिलना चाहिए, तुमको ज़्यादा मिलना चाहिए। जो एक बार डिसाइड हो चुका है हमारे एग्रीमेंट में, हम उसी एग्रीमेंट, उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करेंगे। ये हमारे पार्टनर्स की राइट होती है। नेक्स्ट है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर वो पर्टिकुलर पार्टनर जो एक पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर है, उसके पास ये अधिकार है कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में अपने एक्टिव रोल को प्ले कर सकता है, बिजनेस में अपना एक्टिव कंडक्ट ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जा रहा है फर्म में, वो उसको इंस्पेक्ट कर सकें, उसकी चेकिंग कर सकें, और अगर चाहे तो वो उसकी डुप्लीकेट कॉपीज भी अपने पास रख सकते हैं फॉर फ्यूचर एविडेंसेस। Every partner has a right to be conducted in the matters related to the partnership business. हर एक particular partner के पास ही right होती है कि अगर business related कोई matter है तो वो उसमें अपने role को conduct कर सकते हैं, वो उस particular matter में अपनी राय share कर सकते हैं। Every partner has a right to disallow the admission of a new partner. हर एक particular partner के पास ही right होता है कि वो किसी एक नए partner के admission को disallow कर दें। याद रखिएगा, एडमिशन में कभी भी, पार्टनरशिप में कभी भी एडमिशन के लिए माइनॉरिटी या मेजॉरिटी रूल अप्लाई नहीं होता। माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी रूल क्या है, समझते हैं एक एग्जांपल से। जस्ट सपोज कि एक पार्टनरशिप फर्म है और इस पार्टनरशिप फर्म में इन टोटल हमारे पास में 20 पार्टनर्स हैं। ठीक है, इस 20 पार्टनर्स में 15 पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि एक पार्टनर को एडमिट करना चाह रहे हैं, और 5 ऐसे पार्टनर्स हैं जो कि इस पार्टनर को एडमिट नहीं करना चाह रहे हैं। अब देखिए, जब भी ज़्यादा लोगों की मत एक जैसी होती है तो उसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी, और जहाँ पे कम लोगों की मत एक जैसी होती है उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी। तो ध्यान रखिएगा कि ना ही यहाँ पे मेजॉरिटी का रूल अप्लाई होता है, ना ही यहाँ पे माइनॉरिटी का रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे रूल किस चीज़ का अप्लाई होगा, तो यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर पार्टनर को इक्वल राइट दिया गया है। अगर एक सिंगल पार्टनर भी ऐसे हैं जो कि किसी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए मना कर रहे हैं, तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ऑफ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी अप्लाई नहीं होता। एक सिंगल पार्टनर भी है जो कि डिसअलाउ करना चाहता है एडमिशन को, तो उसके बिहाफ में उनके प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए नए पार्टनर का एडमिशन नहीं किया जाएगा। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। हमने अभी पढ़ा था कि हर एक पर्टिकुलर पार्टनर्स जो कि एक साथ मिलकर पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं, वो जॉइंट ओनर कहलाते हैं। जॉइंट ओनर का मतलब है कि वो सब मिलकर उस पर्टिकुलर फर्म, उस पर्टिकुलर एंटिटी के ओनर्स हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म गिविंग अ प्रायर नोटिस। पार्टनर्स पूरी तरीके से फ्री होते हैं कि वो जब चाहे तब पार्टनरशिप फॉर्म से रिलीज हो सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर हो सकते हैं, बट उनको क्या करना होता है, एक प्रायर नोटिस दे देनी होती है कि मैं पर्टिकुलर रीजन से फर्म को छोड़ना चाहता हूँ या फर्म से रिटायर होना चाहता हूँ। इफ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, ही हैज़ अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट अग्रीड रेट। इफ द रेट इज ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड, इट इज़ पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्या कहा गया है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है,
ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उनके पास पूरा अधिकार है कि उस पर्टिकुलर लोन पे वो इंटरेस्ट कमा सके फर्म से या इंटरेस्ट को रिसीव कर सके फर्म से। और अगर एग्रीमेंट में इसके रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऐसे केस में अगर किसी पार्टनर ने हमारे पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है तो उनको 6% पर एनम के रेट से फिक्स्ड इंटरेस्ट देने का प्रोविजन भी है, ये हमारे पार्टनर्स के राइट में मेंशन किया हुआ है। इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ही हैज द राइट टू इंडेमनीफाई बाय द फर्म। ये क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर है जो कि फर्म के बिहाफ में फर्म के लिए कोई पेमेंट या कोई एक्सपेंस कर रहे हैं अपने खुद के पॉकेट से, तो उनके पास ये राइट है कि उस पर्टिकुलर पैसे को, उस पर्टिकुलर फंड को वो रीइंबर्स कर लें या फिर इंडेमनीफाई कर लें किससे, हमारे पार्टनरशिप फर्म से। तो ये कुछ हमारे राइट्स हैं जो कि पार्टनर्स के पास में होते हैं। होपफुली आपको सारे राइट समझ में आए होंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, सारे पार्टनर्स के पास ये राइट है कि वो अग्रीड रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करें। सारे पार्टनर्स के पास ये राइट है कि वो अपने बिजनेस में टेक पार्ट ले सकते हैं, अपने एक्टिव कंडक्ट को प्ले कर सकते हैं। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी कॉपी को अपने साथ रख सकते हैं। हर पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में वो अपने कंडक्ट को प्ले कर सकते हैं। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो किसी नए पार्टनर के एडमिशन को डिस अलाउ कर सकते हैं। हर पार्टनर्स हमारे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर्स होते हैं। हर पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो जब चाहे तब फर्म को रिटायरमेंट दे सकते, फर्म से रिटायर हो सकते हैं, बस उन्हें एक प्रायर नोटिस देनी होती है। सारे पार्टनर्स के पास ये राइट है कि अगर उन्होंने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो वो उस पर्टिकुलर लोन पे इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट के रिगार्ड में कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है तो उस केस में 6% पर एनम की रेट से फिक्स्ड इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि अगर उस पर्टिकुलर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में कोई एक्सपेंसेस या कोई पेमेंट्स किए हैं तो वो उसे फर्म से वापस ले सकते हैं, फर्म से इंडेमनीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक नए तरह का पार्टनरशिप है, ये एक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप ही है, लेकिन यहाँ पे जो वर्किंग है या फिर जो इसका कंस्ट्रक्शन का तरीका है वो कॉरपोरेट्स की तरह होता है। ठीक है, आइए समझते हैं क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया केम्स इनटू एग्जिस्टेंस विथ द इनैक्टमेंट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008। सबसे पहली बात तो ये कि LLP एक्ट या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हमारे इंडिया में कब इनैक्ट हुआ, तो लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 2008 में इनैक्ट हुआ हमारे इंडिया में। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जो कि रजिस्टर करवाई गई हो या फिर इनैक्टेड हो किसके द्वारा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर में, वो हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहलाती है। अब अगर हम नेचर की बात करें तो किस तरह का नेचर है इसका। सबसे पहला आता है इट इज़ अ कॉरपोरेट बॉडी। कॉरपोरेट बॉडी का क्या मतलब है, ये कुछ ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस के द्वारा मिलके बनाई जाती हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं और जो हमारा फर्म है दोनों डिफरेंट माने जाते हैं, अलग अलग माने जाते हैं। इट हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक, लेकिन अगर हम LLP की बात करें तो बिल्कुल कॉरपोरेट्स की तरह, बिल्कुल कंपनीज की तरह इसका जो टेन्योर होता है वो लॉन्ग होता है, बहुत लॉन्ग होता है, और ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है। एनी चेंज इन पार्टनर्स ऑफ LLP शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ LLP। अगर कोई भी चेंजेस आता है इसके इनैक्टमेंट में तो इसके वजह से या फिर इनके पार्टनर्स के चेंज होने की वजह से इसके राइट्स लाइबिलिटीज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू LLP। ध्यान दीजिएगा, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। LLP भले ही पार्टनरशिप का एक पार्ट है लेकिन इस पर कभी भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं होता है।
ठीक है, तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं एलएलपी के। नेक्स्ट आता है कि क्या डिफरेंसेस हैं पार्टनरशिप में। अब आप सोच रहे हो कि मैम दोनों ही पार्टनरशिप के ही फॉर्म हैं, दोनों में ही हम पार्टनरशिप के ही एक्टिविटीज़ को रन करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस ही करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है। आइए डिफरेंट डिफरेंसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है लॉ एप्लीकेबल। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक्ट अप्लाई होता है। अगर हम एलएलपी की बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 अप्लाई होता है। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात कर लें तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो कराएं रजिस्टर, आप ना चाहें तो ना कराएं। बट अगर हम एलएलपी की बात करें तो इसको रजिस्टर कराना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा कंपलसरी होता है। क्रिएशन की बात करें तो इसका क्रिएशन एग्रीमेंट के द्वारा होता है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा क्रिएटेड बाय लॉ। और अगर हम एलएलपी की बात करें तो ये भी क्या होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है। ये एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। कॉरपोरेट बॉडी की बात करें तो पार्टनरशिप कभी भी कॉरपोरेट बॉडी नहीं बन सकता, जबकि एलएलपी आपका एक कॉरपोरेट बॉडी होता है। कॉरपोरेट बॉडी कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, कॉरपोरेट बॉडी कैन बिकम इट्स पार्टनर। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी कि यहाँ पे पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों एक जैसे ट्रीट किए जाते हैं। बट अगर हम एलएलपी की बात करें तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन की बात करें तो पार्टनरशिप हमारा एक फिक्स पीरियड के लिए या फिर फिक्स पर्टिकुलर टर्म के लिए बनाया जाता है, यानी यहाँ पे कोई भी परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। बट अगर हम एलएलपी की बात करें तो लॉन्गविटी के बेसिस पे चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलता है, यानी कि यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन अप्लाई होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम दो, मैक्सिमम 50 होते हैं। यहाँ पे मिनिमम दो मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। पार्टनरशिप के लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होते हैं। बट अगर हम एलएलपी की लाइबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल कंपनीज़ की तरीके से प्रोविजंस हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होते हैं हमारे पार्टनर्स के। तो ये था हमारा फंडामेंटल्स। आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने की आइटम्स पढ़े, रूट्स पढ़े बिल्कुल, कि किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को, और क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं उसको फॉर्म करने के लिए, कौन कौन से राइट्स हैं पार्टनर्स के पास, क्या होता है एलएलपी, और क्या डिफरेंसेस हैं पार्टनरशिप फॉर्म में और एलएलपी फॉर्म में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक कीप लर्निंग।